पतंग, पतंग बोलने से काइट, काइट कैसे बनाएगा आज जो है हम सिखाएगा आप लोग को। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, टेप निकाल के एक एक टुकड़ा काट काट के एक बगल में रख लेना। बगल में रखने के बाद उसके बाद जो है रेडी करना, उसके बाद में एक एक करके चुपकाना। वीडियो जो है अंत तक देख के, लास्ट तक देख के आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे बनाना, कैसे रस्सी बांधना। नारियल पेड़ का तिल्ली पत्ती का निकाल कर सुखा वाला, उसका जो है दो तिल्ली निकाल के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड मोटा वाला डंडा, वो जो है दोनों बांध के उसमें जो है टेप चुपकाना। टेप चुपकाने के बाद उसको दो तिल्ली रेडी कर लेना, ऐसे बेंड करके उसको रख के देखना। रखने के बाद वहाँ में एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों बगल पर टेप चुपकाना। टेप चुपका के फिर वो साइड भी बेंड करके रखना, उसके बाद जो है वहाँ पर भी टेप चुपकाना। उसी तरह और तिल्ली दो टुक लेके टेप चुपका के लंबा से रखना, ऊपर साइड में मोटा वाला डंडा, नीचे साइड पतला वाला, ऐसे रख के चुपका देना। ऐसी टेप तिल्ली के ऊपर चुपका के पन्नी से, पन्नी के ऊपर अच्छे से चुपका लेना। इस तरह चुपकाने से जो है जितना भी हवा मारेगा ऊपर में जाकर वो जो है पन्नी को उधर उधर नहीं करेगा, ऐसी पकड़े चुपके रहेगा, हटेगा नहीं। ऐसी पन्नी हल्का है कारण वो और भी पतंग ऊपर जाएगा। टेप जो है वो हम लोग कार्गो बॉक्स चुपका था ना, उस तरह मोटा वाला थोड़ा टेप रहना पन्नी टाइप का, वो जो है चुपकेगा तो निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रिकल
टेप चिपकाएगा तो थोड़ा देर के रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। इसीलिए वो कार्गो बॉक्स का टेप जो है चिपकाने से ऐसी पकड़ के रहेगा। पतंग जो है सुंदर दिखने के लिए और भी उसमें मेंशन करेंगे, और उसमें जो है हम लोग और एक पन्नी लेके उसमें लाइन से काट काट के तीन लाइन बना लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग टेप से वो कट करा वाला को हम लोग लाइन में रख के एक एक करके चिपकाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग काइट का पीछे शहर में जो है लगा चिपका कर उसका पीछे और एक लाइन का पीछे और एक चिपकाना, उसके बाद और एक चिपकाना, उसी तरह चिपका तो एक लाइन बन जाता काइट का पीछे पर। भी दिखने में भी पतंग बहुत सुंदर दिखेगा, और जो है पतंग को हवा में उड़ाएगा तो थोड़ा सा हवा आने से भी वो जो है पतंग ऊपर जाएगा पीछे से रहने से। पतंग जो है बन के तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर से बना है, बहुत प्यारा है। अभी जो है वो हवा में रखने से ही उड़ने के जैसे है, उस तरह है, वाइट में बहुत सुंदर रखते हैं पतंग। बहुत जन जो है दिल्ली से पन्नी खेद करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पन्नी में दिल्ली से चेत करने से वो पन्नी पड़ जाएगी। इसीलिए इसको जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको क्या करना है, हम लोग सुई का धागा का बड़ा सुई लेके हल्का से चेत करके हम लोग जो है उसमें रस्सी घुसाना चाहिए। इस तरह करने से जो है पन्नी नहीं पटेगा। हम लोग को उस पतंग में बांधने के टाइम में भी पतंग सख्त रहेगा, वो जल्दी फटेगा नहीं पतंग। इस तरीके से बांधना चाहिए। और सामने जो है रस्सी बांध के और थोड़ा सा रख के और पीछे रस्सी बांधना है, उसको भी फिर थोड़ा सामने में बांध कर छोड़ देना है। उस सामने थोड़ा रख के छोड़ेगा क्या होने से हम लोग तानने के टाइम में पतंग ऊपर जाएगा। बीच में नहीं बांधना चाहिए, थोड़ा सामने करके रखना चाहिए रस्सी को, उसमें जो है हम लोगों पकड़ हाइट जाएगा, पतंग जल्दी उड़ेगा हल्का हवा में भी।
रस्सी को दोनों को जॉइंट करके बांध लेना। बांधने के बाद में वो बचा वाला रस्सी काट, एक साइड का काट लेना। एक रस्सी जो है हम लोग बंडल का उसमें जो भी डब्बा मिलता है उसमें लपेट के रख लेना। लपेटने के बाद में जहाँ आप उड़ाने चाहते हो वहाँ उड़ा सकते हैं। अभी पतंग बन के तैयार हो गया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब करिए।